रोमन रेंस की फिर आई याद, जॉन सीना लौटेंगे तय तिथि से पहले और जानेंगे आखिर एजे ने विंस को क्यों मारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, जॉन सीना जो कि आज MSG इवेंट का हिस्सा थे, वो दोस्तों अपनी वापसी करने जा रहे हैं रॉ के अंदर। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन दोस्तों अब सीना की वापसी के ऊपर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। दरअसल सीना 7 तारीख की होने वाली रॉ से पहले ही लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल 1 तारीख को होने जा रही है स्मैकडाउन और WWE ने आज अनाउंस कर दिया है कि सीना उस स्मैकडाउन का हिस्सा होंगे। यानी कि दोस्तों, नए वर्ष का आगाज होगा सीना की वापसी के साथ। तो गाइस, काफी बड़ी एक खबर है और सीना के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो दूसरी खबर नहीं है दोस्तों, दूसरी है स्पेकुलेशन। तो दोस्तों, यहां हम 5 मिनट की खुद से स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, हम जाएंगे सोर्सेस के ऊपर। तो आखिर एजे ने क्यों मारा विंस मैकमैन को? तो पिछली स्मैकडाउन के अंदर आपने देखा कि कैसे एजे ने मारा विंस को। हालांकि दोस्तों, विंस ने पहले उन्हें भड़काया था, लेकिन क्या रीजन रहा इस चीज के पीछे जो विंस मैकमैन जैसे बूढ़े व्यक्ति को बंप लेना पड़ा? तो आप सभी जानते हैं कि विंस मैकमैन की काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है और इस उम्र के अंदर वो ज्यादा मार नहीं खा सकते जैसे वो पहले खाते थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। लेकिन ये एंगल हमें क्यों देखने को मिला? तो दोस्तों, यहां PW टॉर्च ने एक बड़ी थ्योरी दी है और इस थ्योरी के अनुसार विंस मैकमैन ने हेल्प किया है एजे स्टाइल को एक नए कैरेक्टर को डेवलप करने में। दरअसल आप जानते हैं कि डेनियल ब्रायन हील है, लेकिन हील वो अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं और सभी जानते हैं कि एजे स्टाइल जब फेस थे तो उन्हें ज्यादा रिएक्शन मिलता था बजाय हील डेनियल ब्रायन के। तो गाइस, सभी जानते हैं आज नहीं तो कल WWE चैंपियनशिप को वापस लौटना है एजे स्टाइल्स की तरफ, और ऐसे में वो फीके ना लगे डेनियल ब्रायन के सामने जब उनकी फिर से फाइट हो। तो गाइस, यहां उनके कैरेक्टर को हल्का सा पुश दिया गया है और यहां दोस्तों एक नया कैरेक्टर आप कह सकते हैं एजे स्टाइल्स का देखने को मिलेगा, जो कि होगा एग्रेसिव टाइप का। तो यहां दोस्तों एक नया कैरेक्टर एजे का हमें आए दिन देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस की फिर से आई याद, लेकिन किसे? ये चीज आप सब लोग जानना चाहते होंगे। तो गाइस, हाल ही में साशा बैंक्स ने रोमन रेंस को काफी ज्यादा मिस किया। वेल, मौका रहा MSG के लाइव इवेंट का, जिसकी हिंदी हाइलाइट्स मैंने आपको सुबह ला कर दी थी। नहीं देखिए तो ऊपर लिंक अभी भी आ रहा है। वेल, इस लाइव इवेंट के अंदर दोस्तों रोमन रेंस प्री बुक थे और ये चीज पहले से डिसाइड हो चुकी थी। वो अलग चीज है कि उनके ल्यूकीमिया का पता चला और उसके बाद उन्हें WWE को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में दोस्तों, वो पहले से इसके पोस्टर्स के ऊपर और इसकी चेयर्स के ऊपर प्रिंट हो चुके थे। आपको बता दूं दोस्तों, लाइव इवेंट्स के अंदर या फिर कई शोज के अंदर भी जो चेयर्स होती है उन पे सुपरस्टार्स प्रिंट होते हैं, जो मेन सुपरस्टार्स होते हैं। और यहां दोस्तों रोमन रेंस की तस्वीर मेडिसन स्क्वायर गार्डन की चेयर्स के ऊपर थी और साशा ने जब वो चीज देखी तो वो वहां काफी ज्यादा भावुक हो गई और उन्होंने इंस्टा के ऊपर ये वाली स्टोरी डाली। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर रोमन रेंस की तस्वीर बनी हुई है चेयर के ऊपर और वहां दोस्तों टेक्स्ट में साशा ने लिखा है आई मिस रोमन। तो काफी दोस्तों वहां इमोशनल हो चुकी थी वो और काफी ज्यादा मिस किया उन्होंने रोमन रेंस को। वेल, काश रोमन रेंस इस इवेंट के अंदर होते, कई लोगों ने उन्हें मिस किया। अगर आपने भी उन्हें मिस किया हो तो आप कमेंट करके बताना मत भूले, टेक्स्ट कीजिए आई मिस रोमन 2 और दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग रोमन रेंस को मिस किए इस इवेंट के अंदर। वेल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी थी और वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों भगवान से प्रार्थना करना मत भूले कि रोमन रेंस जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी रिंग में वापसी करे। वेल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी थी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ खैर।